गुड इवनिंग फ्रेंड्स, पीजी एंट्रेंस एग्ज़ाम एमए होम साइंस से देने वाले स्टूडेंट्स के लिए 2020 के सॉल्व क्वेश्चंस पेपर का नया पार्ट आ गया है। तो आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा, इसमें 2020 के क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। और आपको जो भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए आइए क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी विषय पर सुनने और देखने के बाद हमें कितना याद रहता है? 70%, 60%, 50%, 40%। अगर हम कोई विषय सुनते हैं या फिर देखते हैं तो हमें उस विषय का 50% ही याद रहता है और हम भूल जाते हैं। मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं, मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या हैं? भोजन, वस्त्र, व्यवसाय, भोजन, मकान और व्यवसाय, भोजन, वस्त्र और मकान, भोजन, वस्त्र और व्यवसाय। तो बोला जाता है सबसे मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान। तो भोजन, वस्त्र और मकान। प्रसार कार्यक्रम नियोजन के कितने सोपान है? तो जो प्रसार कार्यक्रम नियोजन के कितने सोपान है? प्रसार कार्यक्रम नियोजन के 8 सोपान है। मानवीय संसाधन क्या है? ज्ञान, रुचि और ऊर्जा, ज्ञान व्यवहार और ऊर्जा, मुद्रा समय और ज्ञान, तीनों में से कोई नहीं। तो मानवीय संसाधन जो है वो ज्ञान, रुचि और ऊर्जा है। डिज़ाइन जो महंगे कपड़ों से नकल किए जाते हैं उन्हें कहते हैं नॉक ऑफ। जो महंगे कपड़ों से हम लोग नकल करते हैं उसे नॉक ऑफ कहते हैं। खाद्य मिलावट रोकथाम अधिनियम किस वर्ष स्थापित हुआ था? खाद्य मिलावट अधिनियम जो है 1955 में हुआ था। संचार केबल 1960 मॉडल में कितने तत्व है? संचार केबल 1960 में कितने तत्व होते हैं? 1960 में 6 तत्व होते हैं। ICDS योजना सरकार ने किस वर्ष शुरू की थी? ICDS योजना सरकार ने 1975 में शुरू की थी। और ये ICDS जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये हर साल पूछा जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल आते हैं। इसकी योजना कब शुरू की गई थी, क्यों शुरू की थी, तो आप ICDS ज़रूर पढ़िएगा। फैशन प्रवृत्ति का अनुमान कैसा होता है? बिक्री परीक्षण, विज्ञापन परीक्षण, विपणन, फैशन पूर्व अनुमान। तो जो फैशन प्रवृत्ति होता है वो फैशन पूर्व अनुमान होता है, फैशन के बाद उसका अनुमान। निम्नलिखित में से कौन सा संचार का जनसंपर्क माध्यम नहीं है? पोस्टर, रेडियो, प्रसारक, कॉन्फ्रेंस या फिर फील्ड डे। पोस्टर और कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस और रेडियो प्रसारक भी जो है सभी लोग सुनते हैं, पोस्टर भी सभी लोग देखते हैं, फील्ड डे भी सभी लोग देखते हैं। कॉन्फ्रेंस ये है जो सीमित लोग देखते हैं, तो कॉन्फ्रेंस जो हमारा जनसंपर्क नहीं होगा। संचार, संचार का सबसे प्रभावशाली तरीका क्या है? प्रदर्शन, लेक्चर, समूह, मीटिंग। तो जो संचार है उसका सबसे प्रभावशाली जो तरीका है वो प्रदर्शन है। प्रदर्शन करके ही सबसे संचार का सबसे प्रभावशाली तरीका को हम लोग प्रदर्शन मानते हैं। बुनाई की मुख्य गति को क्या कहते हैं? बिटिंग अप, बानर डालना, तीनों, शेटिंग, सेल्टिंग। तो जो बुनाई की ये बिटिंग अप, बानर डालना और सेटिंग, ये तीनों तीनों जो है बुनाई की गति ही है। तो तीनों आंसर सही होगा। PRA किसका विचार है? ए मेयर, आर चैम्बर, स्पेसिफिक हच, जेली लिंगस। तो ये आर चैम्बर जो है PRA का विचार है, आर चैम्बर। डिज़ाइन के तत्व का सिद्धांत एक साथ सफलतापूर्वक कार्य करते हैं तो कहलाते हैं। मतलब डिज़ाइन के तत्व भी है और विचार, मतलब तत्व और सिद्धांत दोनों एक साथ काम करेंगे तो उसमें एक रूपता आती है। तो एक रूपता आंसर हमारा सही होगा। किसके अनुसार सुरक्षता कार्यक्रम को देश के विकास कार्यक्रमों से संबंधित होना चाहिए? कोठारी कमीशन, एलिजाबेथ मार्ग ब्लॉक, तेहराना कमीशन। तो जो संरक्षण कार्यक्रम देश का विकास जो है कोठारी कमीशन कार्यक्रमों से संबंधित है। वह दूध जिसमें एक ही व्यक्ति का काफ़ी लंबे समय, वह जिसमें एक ही व्यक्ति का काफ़ी लंबे समय तक अध्ययन किया जाता है कहा जाता है, लंबे समय तक किया जाने वाला अध्ययन।
लंबे समय तक किए जाने वाला अध्ययन। किस ग्रंथ की अति सक्रियता सामान्यतः विकास को रोकती है? पहला थायराइड ग्रंथ की, लिंग ग्रंथ की, या फिर थायराइड ग्रंथ की, या थाइमस ग्रंथ की? तो जो है सक्रियता सामान्यतः विकास को रोकती है वो थाइमस ग्रंथ की। प्रसार के जनक है जेम्स स्टुअर्ट, लीब्रिंगस, के स्पेनरमैन, या फिर सीमेंथ नेप। तो प्रसार के जनक जो हैं जेम्स स्टुअर्ट हैं। बत्तख और हंस का मांस धीमी गति से किसके कारण होता पचता है? मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। तो वसा के कारण जो है हमारा बत्तख और हंस का मांस अच्छे से आसानी से और धीमी गति से पकता है पचता है। खरीदार और बेचने वाले को एक प्लेटफॉर्म पर लाने को कहा जाता है, मतलब जहाँ पे खरीदारी भी हो और बेचने वाला भी हो, तो उसे क्या कहेंगे? उसको हम लोग बाजार कहेंगे। निम्नलिखित में कौन सा बढ़ता हुआ रंग है? बढ़ता हुआ रंग है पीला, नीला, पीला, गुलाबी, हरा। तो जो पीला है वो बढ़ता हुआ कलर है। कच्चे फलों में क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है? अधिकांश जो कच्चे फल होते हैं वो कच्चे फल खट्टे होते हैं। खट्टे चीज़ों में हमेशा विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कर्बिक एसिड। तो खट्टे फलों में अधिकतर एस्कर्बिक एसिड पाया जाता है। बनारस ब्रूकेट को जाना जाता है चंदेरी, बांगरू, कलमकारी और किंग खॉप। बनारस का जो ब्रूकेट उसको हम लोग किंग खॉप कहते हैं, किंग खॉप। पानी का ग्लास प्लेट के किस तरफ रखा जाना चाहिए? पानी का ग्लास प्लेट के हमेशा बाई तरफ रखा जाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन है? विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी12। तो विटामिन डी जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। कैरोटोमलेशिया किस विटामिन की कमी से होता है? कैरोटोमलेशिया विटामिन ए की कमी से होता है। चमकीले और आकर्षित रंगों का प्रयोग किसको प्रकाशित करने के लिए किया जाता है? फ्लैश कार्ड चार्ट, फ्लिप चार्ट, पोस्टर। तो चमकीले और आकर्षक रंगों का प्रयोग हम लोग पोस्टर को प्रकाशित करने के लिए, पोस्टर ऐसा होना चाहिए जो लोगों को आकर्षित करे, उसका ऐसे कलर का चुनाव करना चाहिए लोग दूर से ही उसे आकर्षित हो। रेशों का राजा किसे कहा जाता है? कपास को रेशों का राजा कहते हैं, मतलब सूती। परंपरा के स्तर बहुत होते हैं कठोर, आवश्यकता अनुसार लचीला, परिवर्तनशील। जो परंपरागत परंपराएं होती है हमारी बहुत कठिन होती हैं, तो परंपरागत स्तर कठोर होते हैं। किसके अनुसार संचार वह प्रक्रिया है जिसमें संदेश को स्रोतों से प्राप्त करने वाला तक पहुंचा जाता है? रॉगर्ट्स और सुमेकर, बर्लो, सैनोन, या फिर एरिस। तो रॉबर्ट्स और सुमेकर का कथन है कि संचार वह प्रक्रिया है जिससे संदेशों को स्रोतों से प्राप्त करके वाले तक पहुंचाया जाता है। हमारा फर्स्ट आंसर सही है। थैंक यू फ्रेंड्स, 2020 का क्वेश्चन पेपर आधा से अधिक कंप्लीट हो चुका है। तो आपको इस क्वेश्चन पेपर में, मतलब आज के वीडियो में, कोई भी डाउट्स है, फिर कोई भी को कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके कन्फ्यूज़न को काफ़ी हद तक दूर करने की कोशिश करूँगी। बहुत स्टूडेंट्स का मैसेज आया है कि आप मैम सिलेबस बता दीजिए सिलेबस, तो मैं आपको बहुत जल्दी ही पूरा सिलेबस अच्छे से समझा देती हूँ और मेरा बहुत जल्दी सिलेबस वाला वीडियो आप आएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल शेयर करिए, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।